आ जाओ भी दोस्तों, चलो आज बताते हैं कि मकान कैसे मिलते हैं किराए पे। यहाँ सबसे पहले जब आप मकान लेने जाओगे और आप कहोगे भाई हमें मकान दिखा दो, तो वो कहेगा भाई फ़ोटो आईडी लाओ। पहले लिख के लगा रखा उन्होंने गवर्नमेंट इशूड, फ़ोटो आईडी दिखाइए आप। फिर वो आपकी आईडी लेगा, वो आईडी रख लेगा अपनी ड्रॉअर में, कहेगा चलो आप दिखाते हैं घर आपको। फिर घर दिखाएंगे और मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, एग्जैक्टली क्या होगा जब आप घर लेने जाओगे तब आपको पता लगेगा, लेकिन ये रफ आइडिया है। पहली बात तो ये कि आपकी जो तनख्वाह है वो किराए की 2.5 गुना या 3 गुना होनी चाहिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तो मतलब 1000 का अगर किराए का घर ले रहे हो तो 2500 तनख्वाह हो या 3000 हो या जैसा भी उस जगह का हिसाब किताब हो, वो आपको बता देंगे उसी वक्त भाई आपकी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर ये ज़रूरी बात होती है कि आपसे पिछली आपकी हिस्ट्री मांगी जाती है कि भाई क्या हिस्ट्री है आपकी किराएदारी की, क्या आप मकान मालिक को परेशान तो नहीं करते थे या तंग तो नहीं करते थे या आपने कोई किराया तो नहीं दिया है। और आप सोचोगे कुछ छुपा लोगे तो यहाँ कोई छुपा नहीं सकता, कोई भी चीज़ कुछ नहीं छुपा सकते आप। जैसे बहुत से देशों में आधार कार्ड होता है, यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। जब आपने घर फाइनल कर लिया तो वो आपसे आपका नंबर पूछेंगे और जैसे नंबर सिस्टम में डालेंगे सब आपका कच्चा चिट्ठा जो है पता लग जाएगा उनको कि आप कितने बड़े गुरु हो, आपने पैसे दिए किसी के नहीं दिए, आपको नॉन पेमेंट के नोटिस मिले हैं कि नहीं मिले हैं, सब कुछ उन्हें पता लग जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपसे कहेंगे भैया ऐसा है कोई दूसरा घर देखो, यहाँ से निकल लो आप। और हाँ एक और बात, क्योंकि किराए के हिसाब से घर बने होते हैं तो घर छोटे होते हैं, वो आप अभी देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा। और कार पार्किंग जो है दो तरीके की, एक तो ये शेडेड है, जो शेड के नीचे देख रहे हो आप गाड़ी खड़ी हुई, तो जब आप घर किराए के लोगे अगर आपको शेडेड पार्किंग चाहिए तो जिस जगह पर भी अवेलेबल होगी इस एरिया में वहाँ पर आपको मिल जाएगी, उसके शायद 100 रुपये या जितने भी $100 या जितने पैसे भी जाते हो वो आपको देना पड़ेंगे उसके। और बाकी जो है घर के सामने आपके आपको पार्किंग मिलेगी एक गाड़ी खड़ी करने की। और अगर दोनों के पास गाड़ी है, मैं अभी भी आपके, तो फिर जहाँ पर पार्किंग खाली हो, बहुत सारी जगह पर होती है पार्किंग खाली, वहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और एक कमरे घर में 2 लोग रह सकते हो आप, हस्बैंड वाइफ, ये देख लो आप घर, ये छोटा घर है बिल्कुल। हाँ, और सामने एक पेंट्री किचन में छोटी सी, जिसमें आप अपने किचन का सामान रख सकते हो। और ये स्लैब के नीचे ढेरों कैबिनेट्स होती हैं जिसमें आप काफ़ी सब अपने बर्तन भांडे सब भर सकते हो, उसमें कोई उसमें दिक्कत नहीं होती। 2 लोग का छोटा परिवार होता है, सारा सामान आपका उसमें आ जाता है आराम से। घर के साथ में किराए के आपको फ्रिज, अवन, कुकिंग रेंज, वॉशर कपड़े धोने के, सॉरी बर्तन धोने के लिए वॉशर और माइक्रोवेव, ये सब चीज़ें यहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें। तो हर घर में जब आप मकान लेने जाओ किराए का कहीं पे भी अपार्टमेंट जहाँ पर है, तो वो आपको ये सब चीज़ें देंगे साथ में। अब इसमें यह है कि आप जैसे घर का दरवाज़ा खोलोगे सीधे अपने कमरे में घुसोगे, वो कमरा क्या उसी कमरे में, वो उसको फैमिली रूम बोलते हैं यहाँ पर, जिसमें आपका किचन होता है और वही आपका ड्राइंग रूम जैसे यूज़ होता है, वही आपका डाइनिंग हॉल है, वो तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं। उसके बाद एक कमरा होगा, कमरे में एक छोटी अलमारी होगी जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह अपना सामान अपना जो भी है वो रख सकते हो। तो जब आप यहाँ पर आओ तो ये देख लो कमरा शायद 10x10 का होगा, छोटा कमरा, और इसलिए बहुत ज़्यादा सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ से आ रहे हो यहाँ पर लिमिटेड सामान लेके आओ, बिल्कुल जितना लिमिटेड हो सके, और कपड़े भी लिमिटेड लेके आओ, अपने ये नहीं भर के ले आए पूरे ढेरों पर, यहाँ पर जगह होती नहीं इतनी, आपको दिक्कत होगी सामान रखने में एक कमरे में। इसलिए कम सामान, बहुत ज़रूरत का जो सामान है उसको ही लाओ और बाकी सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये कि आपसे रेंटल हिस्ट्री मांगी जाएगी, अगर आपकी रेंटल हिस्ट्री नहीं है तो कहीं पर आपसे $1000 वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाते हैं, कहीं से हो सकता है 12 करवाएं या 13 करवाएं, $1300 जैसा भी उनका हिसाब हो। और कपड़े धोने के लिए जगह होगी जहाँ पर आपका वॉशर और ड्रायर दोनों होगा, तो कपड़े बाहर सुखाने कोई चक्कर नहीं होता, वॉशर में धो लो और निकाल के उस पर ड्रायर में सुखा लो। और साइड में देख लो अलमारियाँ बनी हुई, इसमें आप अपने चादरें तकिए गिलाफ वगैरह जो कुछ भी है और भी सामान जो है वो सारा रख सकते हो आप। इसमें फुल बाथ होगा, फुल बाथ का मतलब है जिसमें नहाने के लिए टब लगा होता है, तो ये बाथरूम होगा। एक बाथरूम में भी आपके सिंक के नीचे छोटी जगह होती, उसमें आप सामान रख सकते हो। तो ये तो होगा एक कमरे का घर। और कुत्ता बिल्ली अगर पालनी है पाल सकते हो, तो यहाँ मैंने पूछा भाई कितने पैसे जाएंगे, तो $30 मैं रुपए बोलता हूँ बार-बार, $30 आपको महीने के कुत्ते के देने पड़ेंगे, 2 से ज़्यादा पाल नहीं सकते हो, या 2 कुत्ते या 2 बिल्ली। और आपका कुत्ता है बिल्ली बाहर नहीं घूमता, वो दिखना चाहिए कहीं, अगर खुला कुत्ता दिख गया आपका बाहर या बिल्ली आपकी दिख गई बाहर खुले में घूमती हुई बगैर लीश के, तो सीधे घर खाली करो फौरन, और ये सख्त कानून होते हैं। इस लोकेलिटी में जहाँ पर ये अपार्टमेंट बने हुए हैं गेटेड है, गेटेड का मतलब हुआ कि वहाँ पर गेट लगा हुआ, आपको वो दी जाएगी एक चाबी जिसको आप लगा के उसको खोल सकते हो।
अच्छा हाँ ये दिखा रहा हूँ मैं, ये कमरे के अंदर, बस ये देख लो अलमारी एक, इसके अंदर जो भी कपड़े आप लगा सकते हो, अपना सूट के वगैरह लाए उसके नीचे रख लो, बस इतनी सी जगह होती है। किराए का घर है अपना तो है नहीं, तो देख लो आप, ज़्यादा सामान आने की जरूरत नहीं है। तो जो मैंने बताया था गेटेड कम्युनिटी है, आपके पास एक की होगी जिसको आप ताले पे लगाओगे, ताला खुल जाएगा अपना, गेट खुल जाएगा, आप अंदर चले जाओ या बटन दबाओगे उससे गेट खुल जाएगा। कहीं कहीं पहले पता कर लेना कि भाई सिगरेट अलाओ या नहीं है इस वाले नेबरहुड में, या जो ये अपार्टमेंट की जगह है यहाँ पर सिगरेट अलाओ नहीं, तो आप कहीं भी बाहर घूम के सिगरेट नहीं पी सकते हो। तो ये पता कर लेना आप पहले कि भैया सिगरेट पी सकते हैं, अगर सिगरेट पीने वाले हो तो बड़ी मुश्किल होगी वरना आपको। तो इस तरीके से आप मिलते हैं, और फिर पिछला 5 साल का आपसे हिसाब किताब मांगा जाता है। अगर 5 साल में आपको आपने किराया नहीं दिया कभी और नॉन पेमेंट की वजह से घर खाली करना पड़ा आपको, या आपको 2 या 2 से ज़्यादा नोटिस मिले आपने किराया नहीं दिया टाइम पर, तो आपको घर मिल ही नहीं सकता। उसके अलावा कोई आपका ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं पुलिस का जो जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ के लोगों के लिए ख़तरनाक है, मतलब आप कोई सेक्स ऑफेंडर तो नहीं हो, आपने किसी से मारपीट में तो नहीं पकड़े गए हो, या कोई अधिक हथियार के साथ में कभी नहीं पकड़े गए हो आप, या कोई अनकंट्रोल्ड जो सब्सटेंस है उसको बेचने वेचने में तो आप नहीं थे। अगर ऐसा कुछ है तो आप मकान नहीं ले सकते, वो कहते भैया नहीं तुम्हें नहीं मिल रहे मकान, जाओ, छुपा सकते नहीं, सब आपका पता लग जाता सब कुछ यहाँ पर। तो मैंने कहा था कि कुत्ता बिल्ली अगर पालनी है आपको तो एक कुत्ते का 200 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको सिक्योरिटी, और 250 रुपये और जाना पड़ेगा, तो 450 रुपये यहाँ पर, कहीं पर वो 500 भी हो सकते हैं 600 भी हो सकते हैं। तो वो पैसे जब जमा कराओगे आपको, जब खाली करो घर, तो उसमें से आधे तो वापस मिल जाते हैं, वो आपको पहले बता देते हैं कि भाई 250 रुपये आपको वापस नहीं मिलेंगे क्योंकि हम घर साफ करवाएंगे, आपके कुत्ते की जो गंध होगी वहाँ पर बाल बाल सब होते हैं, एक स्मेल होती है उस सारी वजह से, तो वो उसको करना पड़ता है उनको, तो इसलिए वो पैसे वापस नहीं करते हैं। तो आप देख लो ये है जगह, छोटा सा एक जिम होता है, 24 आवर 24 घंटे खुलता है जिम, क्योंकि यहाँ पर लोगों को जब टाइम होता है तभी एक्सरसाइज करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि सुबह खुलता है 10 बजे और फिर शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, तो जब समय मिलता है जिसको तब एक्सरसाइज कर लेता है वो। जिम होगा, छोटा सा पूल होगा, और एक छोटी सी नाम मात्र की जगह होगी जिसको कहते हैं पार्क, वो कहते हैं, तो छोटी छोटी जगह होती है सब, और उसी में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ये आ गए आपके 2 रूम के फ्लैट में। हाँ मैं तो बताना भूल गया कि जो एक रूम का चार्ज था यहाँ पर बताया था उन्होंने, वो $1,150 और 2 रूम का जो है वो 1,350। तो मैं आपको ये, आप जब आओ तो आप दोनों घर देखो, और अगर 200 या 250 रुपये का डिफरेंस है किराए में तो आप बड़ा घर लो, दैट विल बी बेटर, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये फायर प्लेस भी है, ठंडा बहुत होता है यहाँ पर 8 महीने, तो आप फायर जला सकते हो। फिर एक बात और कि जो कूड़ा है, कूड़ा 25 रुपये या 30 रुपये या जो भी उनका रेट होगा वो तो बता देंगे आपको, तो कूड़ा आपका 5 दिन में या 6 दिन में आएगा उठाने के लिए, ले जाएगा कूड़ा उठाकर। बिजली का, गैस का, पानी का, ये सब आपको देना पड़ेगा, जो भी जितने भी यूज़ करोगे, जो भी आपका बिल आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो यार देख लो ये हिसाब है, और मकान मिलने में कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि आप यहाँ जॉब पर आ रहे हो, आपको ID वगैरह सारी आपका एम्प्लॉयर दिलाई देगा, और यहाँ रहते हो आप तो फिर आप अपनी हिस्ट्री बताओगे उनको, या अपना नंबर बताओगे, और वो सब देख लेंगे, उसमें पता लग जाएगी सब आपकी कहानी क्या है, उन्हें लगेगा घर देना चाहिए, देंगे नहीं तो नहीं देंगे। बनावट ऐसी है, इसमें भी वही है 2 रूम में, कि आप दरवाज़ा खोलते किसी घर में घुसोगे और घर वही है आपका फैमिली रूम पहला, जो किचन और आपका ड्राइंग रूम और आपका डाइनिंग रूम तीनों का काम करेगा, काफ़ी जगह होती है सामान वन किचन का 2 लोगों के लिए आ जाएगा। और हाँ एक और बात कि अगर आप अपने 2 रूम के कमरे में, सॉरी सिंगल रूम वाले फ्लैट में, उसने मुझे बताया कि आप 2 तो रहोगे, लेकिन कोई अगर आपका फैमिली मेम्बर आ रहा है तो वो भी उसमें रह सकता है आपके साथ में, लेकिन आपको पहले से ऑफिस में इनके इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मेरी मदर आ रही है या मेरे फादर आ रहे हैं इतने दिन के लिए आ रहे हैं, उनकी परमिशन से आप ठहरा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये बड़े सख्त नियम होते हैं कि जिसने घर लिया है वही रह सकता है, उसके अलावा फिर उसमें और कोई रह सकता नहीं है, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो ये देख लो यार, यहाँ पर 1,150 से 1,350 रुपये का है घर, और उसके अलावा जो डिपॉजिट है मैंने बताया था कि $1,000 आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा, प्लस क्या कहते हैं कुत्ता बिल्ली है तो उसका अलग पैसे देने पड़ेंगे, वो सब आपको पता लग जाएगा, घर आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इससे रिलेटेड कुछ आपकी क्वेरीज हो या कुछ पूछना चाहते हो आप, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और मैं जैसे ही आपका कमेंट देखूंगा तो आपको उसका जवाब दूंगा। और चलो, किसी ने फरमाइश करी थी उसके लिए मैंने बनाया ये वीडियो, पिछले हफ्ते मेरे पास टाइम नहीं था तो आज वीडियो बनाया, छुट्टी मेरी, तो 2-3 वीडियो लगा दूंगा आज या कल में ही।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। ये बाहर छोटी सी एक स्टोरेज भी होगी, इसमें छोटी सी बालकनी होती है हर घर में। तो चलो, बाकी बातें आज कम समय में बताई जा सकती, जितनी बता सकें उतनी बता दी, बाकी कमेंट में पूछ लेना। चलो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जो मेरा नया वीडियो आए उसको आप देख सको। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में ब्रेक के बाद। ये देख लो, किराए के घर हैं सारे, और कंडीशन आपको बता दी, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। बाय।